हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे जो अब जैन 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बट अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है एंड डरे हुए हैं कि नवंबर 20 का एग्ज़ाम कैसे आया था। जैन 2021 का एग्ज़ाम पता नहीं कैसे आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, नवंबर 20 में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि कुछ बच्चों से बात कर पाऊँ एंड उनसे जो है उनकी स्ट्रैटेजीज जान पाऊँ। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों की मार्क्स को ना देख के इनकी स्ट्रैटेजीज़ को देखिए, क्योंकि प्रोफेशनल एग्ज़ाम में क्लियर करना मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करती है। तो आपको इनसे सीखना है एंड अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लानी है। एंड ये वीडियोस अपलोड करने का पर्पस किसी भी बच्चे को डिस्करेज करना नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है एंड स्टार्ट करने बैठते ही हो तो डिस्करेज हो जाते हो। तो ये वीडियोस अपलोड करने का पर्पस यही है कि आपको बूस्ट मिल जाए, आपको जितनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिले आप उतनी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ एंड फॉलो करो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हर एक बच्चे की जो है मार्क्स डिफरेंट है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज़ भी डिफरेंट थी। तो यहाँ पर जो है आपको हर एक बच्चे से सीखना है। हेलो। हेलो। हाँ अविका, हाँ जी, ठीक कैसे हो? है दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी एसीईटी क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, तो आपसे मुझे ना एक हेल्प चाहिए थी। आप जो है जैन 2021 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो? अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी की थी कि कोई कोचिंग ज्वाइन किया था? मैंने सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा, और सीएसईटी में आपका स्कोर कितना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का आपको याद है? हाँ, मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का 36 है, इकोनॉमिक्स अच्छा में 31 है, अच्छा करंट अफेयर्स में आई थिंक 23 है, और मेरी एप्टीट्यूड में 26 सब में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो अब जो है आपने सीएसईटी कैसे किया था? स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी या एंड वन से प्रिपरेशन की नहीं, थी? एक्चुअली ना पहले मैं फाउंडेशन दे रही थी, अच्छा फिर उसके बाद वो बहुत डिले हो रहा था, तो फिर मैंने भी जब एग्जाम था उससे 20 डेज पहले ही सोचा फिर कि मैं सीएसईटी दूंगी। अच्छा मतलब पहले से ही सीए फाउंडेशन का पोर्शन आपका हो गया था और यहाँ पे जंप मार लिया, हाँ तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि सीएस फाउंडेशन का और सीएसईटी का सिलेबस तो दोनों बहुत डिफरेंट है, हाँ दोनों डिफरेंट है। नहीं तो फिर आप मतलब कोई चीज थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन हो गया था मैंने। चलो अच्छी बात है। तो आपने जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? वो तो नॉर्मली हो गया था, जैसे कि मैंने सिर्फ जो स्टार्टिंग के 1-2 दिन थे वो इसलिए मैंने दिए थे बस, अच्छा अपने आप थोड़ा सा रोज जो हाफ आवर या फिर 20 मिनट ऐसा करके हो गया था। अच्छा नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ एग्जाम में नहीं, प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे किया था लास्ट के हाँ 20 दिन हाँ में? वैसे ही किया था, मतलब स्टार्टिंग की 1 या 2 दिन मैंने दे दिया था, फिर अच्छा उसके बाद डेली 20 मिनट या 30 मिनट ऐसे थोड़ा थोड़ा दे दिया था, फिर हो अच्छा गया चलो था अपने आप ही। अच्छी बात है। और लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? लीगल एप्टीट्यूड डेली किया था, डेली थोड़ा थोड़ा, मतलब अच्छा स्टार्टिंग में 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे रोज से पूछे से देना, अच्छा ओके फिर लॉजिकल रीजनिंग उसके लिए वीडियोस देखी थी, वो वाईफाई स्टडी करके है ना कुछ हाँ नाम हाँ है वही, यूट्यूब चैनल। हाँ उस पे से भी देखी थी, और यस एकेडमी भी देखी थी, तो उन दोनों वीडियो से मेरा हो गया था। अच्छा, तो आपने कोई टॉपिक स्किप किया था लीगल एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग में? नहीं मैंने सारा किया था। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चंस लगे कि ज्यादा ही इन डेप्थ दे दिए लीगल एप्टीट्यूड में? क्वेश्चन ठीक, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक था, एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे थे। अच्छा ओके, तो आपको सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए थे लीगल एप्टीट्यूड में, अगर आपको याद है तो? लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से फिर सबसे ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से थे। और लॉजिकल रीजनिंग में कुछ प्रॉब्लम आई विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने में सम? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं थी, अगर मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए अगर अच्छा है तो हो जाएगा। अच्छा ओके, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? वो मैंने नॉर्मल सेल्फ स्टडी से किया था,
उसकी ना सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, अगर आपकी 11th 12th में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो थे एग्जाम में वो इजी थे या टफ थे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ठीक थे, मतलब जैसे कि नहीं थे। अच्छा, और स्टडी मटेरियल से थे क्वेश्चन कि स्टडी मटेरियल के बाहर से आए थे? अच्छा, नहीं, स्टडी मटेरियल मतलब ऐसे एबीटी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्योंकि ना कॉन्सेप्ट वहीं के थे। ओके। तो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन थे अगर आपको याद है तो? चैप्टर फर्स्ट जो है। अच्छा, उसमें से थे। ओके। और करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? करंट अफेयर उसके लिए ना मैंने एक वीडियो देखी थी, करंट अफेयर की। अच्छा हाँ, तो वो वीडियो में क्या था, पूरे 9 months के दे रखे थे, जितने अच्छा जितने भी हो रखे थे, जो भी मतलब हाईलाइट में थी 9 months के, सारे दे रखे थे। 4 hour की वीडियो थी, तो उसके अच्छा जो मैंने देखा, और उसके जो PDF थे वो 2 3 बार मैंने ऐसे पढ़ लिए। और जो वैसे डेली ग्रीन पेपर आते हैं उनमें से एक दो मैंने देख लिया था बस, और मैंने कुछ नहीं किया था। चलो, अच्छी बात है। मतलब 9 months के आपने जो करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, हाँ, तो आप डेली कितने आवर्स पढ़ते थे एग्जाम के पहले? मैं मतलब अभी मतलब जैसे दिवाली भी आ चुकी थी, तो उसमें मैं नई बड़ी तो बीमार हो गई थी, तो अच्छा, हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे मामले ऐसे मतलब 7 7 आवर्स तो लग जाता था, क्योंकि 20 डेज की फेस टू फेस है। हाँ, ओके ओके ओके। और एग्जाम में कोई टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आया? एग्जाम में आया था मतलब आईडी वगैरह लॉग इन करने में, और फिर जब मेरा पूरा एग्जाम हो गया तो मुझे लगा सबमिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छा सबमिट का ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा और वहाँ पे फिर मैंने लॉग आउट कर दिया था, वहां से क्योंकि टाइम चला गया था। फिर ओके मैंने कॉल किया वहाँ पे ICICI को, तो उन लोगों ने कहा कि वो अपने आप हो गया होगा। ओके। और ICSI की जब मॉक टेस्ट सॉल्व की थी तब भी कुछ ऐसा इशू आया था? नहीं, उसमें कोई इशू नहीं था। ओके, तो एग्जाम में फिर आपने कितनी देर में कंप्लीट कर लिया जब आपको टेक्निकल इशू का भी प्रॉब्लम आया तो? मेरा जैसे मेरा ना 20 मिनट लेट लॉग इन हुआ था, ओके और मेरा मैंने 15 मिनट पहले लॉग आउट कर दिया था, मतलब ये मान लो 18 मिनट में मेरा हो गया था, मतलब ओके तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर आपके 20 मिनट्स चले गए, लॉग इन 20 मिनट बाद हुआ एग्जाम के, तो आपको वो टाइम अलॉट किया फिर से, एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं? नहीं दिया, अच्छा ओके ओके वहां पे टाइमर जुड़ जाता है ना, तो वो टाइम बंद होते ही वो अपने आप लॉग आउट हो जाता। ओहो, फिर तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा। चलो, अब रिजल्ट आ गई, अब कैसे लग रहा है? हम लग रहे हैं। हाँ, चलो जो हो गया। चलो, अच्छी बात है। और आपके माइंड में कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप Jan 21 के बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ, स्ट्रैटेजी लाइक अगर मतलब कॉन्शियस हो, ये नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया, ओके और कॉन्शियस रहना चाहे 4 hours से दो, लेकिन कॉन्शियस ही दो हो ओके जाता है, 4 hours में से दो तो हो जाएगा। आज करंट अफेयर्स में ना लोग क्या करते हैं, हर बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और फिर में कहाँ कहाँ से डेटा आता रहता है, बहुत हाँ सारा डेटा हो जाता है ना, वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें से आते ही नहीं है, क्योंकि ये भी सारी चीजें भी होती है ना, जो हाँ किसी भी मैगजीन या वेबसाइट, तो ये सारी चीजें नहीं आती, क्योंकि वो लोग इतना इम्पोर्टेंट चीजें नहीं देते हमको। अगर अच्छा करने है तो फिर वीडियोस वगैरह देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, क्योंकि वो सच में वही चीजें खाते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, हाँ वही है वही बहुत होता है, क्योंकि ओके हमें खुद से नहीं पता चल पाता क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, जब तक कोई टीचर ना गाइड करे, हाँ तो वही है। मैंने करंट अफेयर्स में यही किया था, वीडियोस वगैरह देखी थी। अच्छा, आपने जो कहा कि आपने वो 9 months की वीडियो देखी, तो आपने वो कौन से चैनल हाँ, पे देखी थी? मैंने चैनल का नेम नहीं आ रही। अच्छा, तो वो वीडियो आपके पास सेव है, तो हाँ, मेरे पास है वो। आप मुझे लिंक शेयर कर दोगे इंस्टाग्राम पे, सो दैट मैं वो बच्चों के साथ शेयर कर दूंगी? हाँ, मैं दे दूंगी।
चलो थैंक यू सो मच अविका, आपने इतना अपना वैल्यूबल टाइम एंड सजेशन दिए, एंड सॉरी मैंने आपकी नींद खराब कर दी। नहीं सोचे मैम, कोई नहीं। चलो आई होप आपका एग्जीक्यूटिव भी ऐसे ही क्लियर हो जाए। हाँ होप सो। थैंक ओके थैंक यू अविका, बाय यू मैम, बाय ओके। बाय।